दोस्तों फोन रखने नेवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और दोस्तों आज हमारे पास है 2020 का लेटेस्ट LG का 43 इंचेस टीवी जो है एक स्मार्ट टीवी। और यहां पर मैं करूंगा इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट फीचर ओवरव्यू आप लोगों के लिए। अगर आपको टीवी खरीदना है या फिर और डिटेल जानने तो आप जा सकते हैं लिंक में जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। और अब हम शुरू करते हैं इस टीवी की एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अगर हम बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट्स की तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है LED टीवी, पेयर ऑफ स्टैंड्स जिसके साथ में आपको दो स्क्रू मिल जाएंगे, रिमोट कंट्रोल जिसके साथ आपको मिलते हैं दो AAA बैटरीज, पावर कॉर्ड, वायर मैनेजमेंट का स्ट्रैप, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। अब चलिए हम सेटअप करते हैं इस टीवी के स्टैंड को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर के अंदर इसको सेटअप कर सकते हो। हालांकि अगर आपको चाहिए वॉल माउंट तो आपको अप्लाई करने का पड़ेगा इनके सर्विस ऑप्शन के लिए जो जनरली फ्री मिल जाएगा। मैंने इस टीवी को ऑर्डर किया था अमेजोन से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर ये फ्री सर्विस अवेलेबल था। हालांकि ब्रैकेट के पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे लेकिन इंस्टॉलेशन जनरली फ्री में हो जाता है। अगर हम बात करते हैं टीवी के पोर्ट्स की तो यहाँ पर इस टीवी के अंदर आपको मिलते हैं दो HDMI के पोर्ट जो है HDMI 1.4 के पोर्ट जिसमें से एक सपोर्ट करता है ARC ऑडियो के लिए, एक है USB पोर्ट, इथरनेट, एंटीना, ऑप्टिकल ऑडियो आउट और AV in। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप किसी भी साउंड बार को मतलब वायरलेस साउंड बार को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर को भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे या फिर आपके वायरलेस ईयरफोन्स को भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए निकालते हैं इस टीवी के कंप्लीट फिलिप्स को और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को। अब समय आ गया इस टीवी के बूटअप का और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बूटअप में बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। हालांकि मतलब 5 से 10 मिनट का समय लगेगा इसको बूटअप करने में लेकिन उसके बाद ओवरऑल आपको कंप्लीट ब्यूटीफुल इंटरफेस मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस टीवी की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है फुल HD का, मतलब 1080p का रेजोल्यूशन। स्पीकर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाता है 20W का ड्यूअल डाउन फायरिंग स्पीकर, मतलब बेसिकली 20W का स्पीकर आउटपुट को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो ये टीवी रन कर रहा है LG की तरफ से ही WebOS में जहां पर आपको सारे पॉपुलर जो OTT एप्लीकेशन है वो मिल जाते हैं। इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड नहीं मिलता है, इसी के कारण आप यहां पर कोई APK को लोड नहीं कर पाओगे और इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकैस्ट भी नहीं मिलता है। बात करते हैं अगर रिमोट कंट्रोल की तो काफ़ी बड़ा रिमोट है जिसमें कोई स्मार्ट फीचर्स भी आपको नहीं मिलते हैं। यहां पर रिमोट में आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के। अगर हम बात करते हैं साउंड की तो ये टीवी सपोर्ट करता है DTS वर्चुअल X, अगेन ये सिर्फ डिफॉल्ट मोड में ही काम करता है। और अगर हम बात करते हैं वीडियो की तो यहां पर आपको मिल जाता है एक्टिव HDR। HDMI का जो वर्जन है वो है 1.4 और टीवी का पैनल का रिफ्रेश रेट है 50Hz। अगर हम बात करते हैं वारंटी की तो आपको मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी, हालांकि एडिशनली 2 साल की वारंटी अभी मुझे ऑफर के अंदर मिल गई। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप स्मार्ट IoT डिवाइस को भी अपने होम डैशबोर्ड ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन सिर्फ काम करता है LG ThinkQ और OCF स्टैंडर्ड्स के लिए। अगर हम बात करते हैं टीवी के डिजाइन की तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग डिफरेंस रहेगा क्योंकि यहां पर जो आप ऑफिशियल लिस्टिंग देखोगे उसके कंपैरिजन में बिल्कुल क्लोज नहीं है। अगेन ये है ये टीवी, मतलब बेसिकली जो आपको दिखता है वो है एक्चुअल टीवी और इसके साथ आपको मिलते हैं प्लास्टिक के लेग। हालांकि 43 इंचेस में थोड़े से प्रीमियम दिखते तो ज्यादा बेटर रहता क्योंकि आप ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का प्राइस पॉइंट यहां पर पे कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं टीवी के सेटिंग्स और यहां पर ये सारे टीवी के सेटिंग्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं टीवी के पिक्चर मोड्स की तो इस टीवी के अंदर आपको काफी सारे पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं और ये रहा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जहां पर आप देख सकते हो कि अलग अलग पिक्चर मोड्स में टीवी में कंटेंट कैसे आपको विजिबल रहता है। स्टार्टिंग ऑफ विद विविड, स्टैंडर्ड, APS, सिनेमा, क्रिकेट, गेम, HDR इफेक्ट, ISF एक्सपर्ट ब्राइट और ISF एक्सपर्ट डार्क रूम, ये सारे आपको सीन मोड्स या फिर पिक्चर मोड्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये टीवी सपोर्ट करता है एक्टिव HDR जहां पर आपको बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिलता है सीन्स के लिए। अगर हम बात करते हैं साउंड सेटिंग्स की तो यहां पर साउंड के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा ही साउंड मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस, क्रिकेट, म्यूजिक और गेम, और डिपेंडिंग आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा उसका एक डेमो, अगेन डेमो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टीवी सपोर्ट करता है DTS वर्चुअल X जो सिर्फ काम करता है स्टैंडर्ड साउंड मोड में।
इस टीवी के अंदर आपको कुछ AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट एडिट जो ऑटोमेटिकली आपके ऐप्स को बेस्ड ऑन आपके यूसेज फ्रीक्वेंसी ये अरेंज कर देता है। जैसे कि अगर आप Netflix ज़्यादा यूज़ करते हो और Amazon Prime ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो ऐप्स को वो आगे की तरफ रखेगा, जिससे आपका टाइम भी मतलब बच जाता है। ये आता है AI रिकमेंडेशन ऑप्शन के साथ। अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ओवरऑल क्या है मेरे थॉट्स, अगेन ये है LG की तरफ से काफ़ी अच्छा टीवी है, पैनल बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर WebOS जनरली काफी अच्छा है कंपेयर टू एंड्रॉइड, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर भी आपको रिस्पांस इतना स्मूथ नहीं मिलेगा। स्पीकर आउटपुट काफी अच्छा है 20 वॉट के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से ये टीवी काफी अच्छा है, और फिलहाल के लिए मुझे लगा कि अगर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता तो वो बहुत ही बढ़िया रहता। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो मैंने भी इस टीवी को ऑर्डर किया था Amazon इंडिया से, और आप वहीं पर से इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड ओवरव्यू इस टीवी के कंप्लीट ऑप्शंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।